हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि जो भी आज मैं आपको वैकेंसी बताने जा रहा हूं सभी जिलों के अंदर की वैकेंसी आई हैं और मेल फीमेल जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, रेपुटेड बैंक के अंदर भी जॉब आ चुकी है और फ्लिपकार्ट के अंदर भी जॉब आ चुकी है। और जो भी मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा, एड्रेस भी बताऊंगा, लिमिटेड कैंडिडेट की वैकेंसियाँ निकली हैं। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, ऐसे कैंडिडेट आपको डेली चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि कल वाली वीडियो में काफ़ी बच्चों का रिस्पांस रहा, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा नया कंटेंट लेके आया हूँ। जो भी पर्सन करनाल, सोनीपत और रोहतक के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी रेपुटेड वैकेंसी आ चुकी है, वो भी बैंकिंग के अंदर सिटिंग जॉब मिलने वाली है। जिनसे बैंक से मेरा टाई अप हुआ है वो यूको बैंक से रहेगा। इसके अंदर मेरे पास सिटिंग जॉब है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया है, इस पे मुझे व्हाट्सअप पे अपना CV भेजें और जो मैं लिंक आपके पास भेजूँगा उसमें ज्वाइन होके जो भी वैकेंसी नहीं आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मेरे साथ बने रहें क्योंकि मैं आपको जॉब वैकेंसियाँ बताना चाहता हूँ, बहुत ही रेपुटेड आई हैं और करनाल के अंदर, सोनीपत के अंदर और रोहतक के अंदर की वैकेंसी मैं आपको आज बताऊँगा। लेकिन मेल फीमेल कोई भी पर्सन अप्लाई करना चाहता हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, और जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको पैकेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहता है तो मेरे साथ जुड़े रहे। और आज की वैकेंसी मैं स्टार्ट करता हूँ। देविंदर छावड़ा, शिफ्ट जॉब कंसल्टेंसी करनाल से आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आए हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं जो जो वैकेंसी बताने चाहता हूँ थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बहुत ही रेपुटेड हैं। जो पर्सन करनाल के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो 4 पोजीशन निकली हैं, 2 बैंकों के अंदर, बजाज कैपिटल और यूको बैंक के अंदर। इसके अंदर मेरे पास सीटिंग जॉब है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, मेल फीमेल अप्लाई करना चाहता है तो मैंने स्क्रीन पे जो नंबर दिया है इस पे मुझे अपना CV भेजे और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। सेम डे आपका इंटरव्यू रह जाएगा, लेकिन इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहेगा 10 से 2 के बीच में मेरे ऑफिस में आए, सेम डे आपके इंटरव्यू में क्लियर करवा दूंगा। और जो पर्सन कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो एक अमेजोन की कंपनी है जो एक्सपोर्ट लेवल पे काम करती है करनाल के अंदर, उनकी सिटिंग जॉब रहेगी, सेक्टर 8 की लोकेशन रहेगी। सैलरी भी आपको 12 से 15 हज़ार रुपये आपको करनाल के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा जो पर्सन 9 सेक्टर के अंदर सेफ हो या कुकिंग का काम जानता हो, जिसको नॉलेज हो, तो उसकी सैलरी भी 12 हज़ार रुपये मिल जाएगी। रेस्टोरेंट के अंदर मेरे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है। इसके अलावा जो पर्सन अकाउंटेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंटेंट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आई हैं बहुत ही लेटेस्ट आई हैं। मैंने आपको पहले भी कंपनी का नाम बताया था तो अभी भी मैं आपको कंपनी का नाम मेंशन कर देता हूँ, जी लैब कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अंदर मेरे पास 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी आ रही है अकाउंटेंट की आ चुकी है। मेल फीमेल कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो पर्सन CHD City के अंदर जॉब करना चाहते हैं, CHD City के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकली। एक लड़की हमें चाहिए जो टेलीकॉलर का, कंप्यूटर का काम संभाल ले, प्लस एक हमें कैंडिडेट चाहिए जो फोटोशॉप या कोल्ड ड्रॉ का काम संभाल ले। उनके सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। ये वैकेंसियाँ रही थी मेरे पास करनाल के अंदर की। और जो पर्सन सोनीपत के अंदर जॉब करना चाहते हैं और करनाल के अंदर जॉब करना चाहते थे तो वो मैंने वैकेंसी बता चुका हूँ। सोनीपत के अंदर मेरे पास 2 कंपनियों से टाई अप हुआ है। इसके अंदर मैं आपको वैकेंसी बताना चाहूँगा। एक तो हमारे पास आई है बजाज कैपिटल के अंदर, इसके अंदर सीटिंग जॉब है, +2 पास भी हो या ग्रेजुएशन भी हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोकेशन देखिए मेरे पास बैंकिंग के अंदर लोकेशन है, अभी पहले CV आएंगे तभी प्रॉपर अपॉइंटमेंट फिक्स रहेगा, तो इसी अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा दूंगा। इस सेकंड ऑप्शन में आपको देना चाहता हूँ, चाय हॉर्लिक्स के नाम से रेस्टोरेंट है सोनीपत के अंदर भी और रोहतक के अंदर भी। इसके अंदर मेरे पास 10 वैकेंसियाँ निकली हैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सोनीपत या रोहतक के अंदर, काफ़ी सारी लेटेस्ट वैकेंसियाँ निकली हैं। एक हमें चाहिए मैनेजर जो ग्रेजुएशन पर्सन हो, थोड़ा बहुत वो रेस्टोरेंट के बारे में रीड कर ले। फ्रेशर की भी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये मिल जाएगी। और जो पर्सन +2 पास रहेगा, जो उसको मैनेजर लेवल की नॉलेज अच्छी है, मतलब मैनेज करने का काम रहता है, उसकी सैलरी 9 से 10 हज़ार रुपये मिल जाएगी। इसके अलावा किसी पर्सन को वेटर के अंदर या क्लीनर के अंदर जॉब करनी हो या एज ए सर्विस के अंदर जॉब करनी हो तो उनकी भी सैलरी 9 से 10 हज़ार रुपये मिल जाएगी। लोकेशन आपको मैंने बता दिया, इसी लोकेशन में आपको अप्लाई करना है। और जो भी पर्सन इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं सोनीपत के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं चाय हॉर्लिक्स के अंदर कर सकते हैं। रोहतक के अंदर भी सेम लोकेशन आ चुकी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। और जो मैंने ये वीडियो के अंदर मैंने लिंक दिया है, सॉरी नंबर दिया है, इसके अंदर मेरे पास आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, उस पर लिंक मैंने भेजा है। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, मेरा अपना ही नंबर है, इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी वैकेंसी आएंगी मैं आपको एक ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, जितने से लोकेशन में चाहिए होगा
उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आज की जो मैं डेट बता रहा हूँ 26 दिसंबर के अंदर की वैकेंसियाँ बता रहा हूँ, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, वो भी बहुत ही सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की मैं लेके आऊँगा। हिसार रोहतक वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आते हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा हिसार वालों के लिए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, कल से मैं आपको सारे ज़िलों की वैकेंसियाँ बताऊँगा। लेकिन जो पर्सन फ्लिपकार्ट के अंदर जॉब करना चाहते हैं आल हरियाणा के अंदर, तो वो मेरे पास वैकेंसी आ चुकी है। पूरे हरियाणा के अंदर की पूरी वैकेंसियां हैं। जिस पर्सन को कमीशन बेस पे काम करना है, अभी एक महीना तो आपको थोड़ा सा देखो कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगले महीने से फेस्टिवल ओपन हो जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कमीशन बेस पे लाख लाख रुपए भी लड़के कमाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आपको। मैं आपको आइडिया दे दूंगा किस तरीके से आपने काम करना है, मेल फीमेल काम कर सकते हैं, लेकिन बाइक लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है। आल हरियाणा के अंदर मेरे पास वैकेंसियां हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, कमीशन बेस पे जो भी करना चाहता हूँ। दिन के अंदर भी 500-700 रुपये आप डेली फिर भी कमा लोगे मंडे के अंदर भी, लेकिन जिस टाइम आपका काम बढ़ेगा तो आप 1000-2000 रुपये डेली भी अर्निंग करोगे। लेकिन आप एक हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा, क्योंकि आपको लोकेशन का पता लग जाएगा कि कौन सी लोकेशन में क्या क्या डिलीवरी करनी रहती है। तो डेली वाइज वही आप काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक फिल्म बन जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि रास्ता देख लिया, दोबारा रास्ता में हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मैं आपको एक स्क्रीन बताना चाहता हूँ, जो भी पर्सन जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी कम पढ़े लिखे थे लेकिन मेहनत करके बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश हो चुके हैं। आज मतलब देश के प्रधानमंत्री भी हैं जैसे स्क्रीन पे देखें। तो आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती है, बस आपका वर्क मैटर करता है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं और माइंडली वर्किंग क्या कर रहे हैं। हमने हार्ड वर्किंग नहीं करनी है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। तो दैट्स जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं, आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। और फ्लिपकार्ट के अंदर आज मैं आपको दोबारा एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी मेरे पास वैकेंसी निकली है, 40 पोजीशन मेरे पास निकली हैं अपनी 23 जिलों के अंदर। तो नारनौल के अंदर भी मेरे पास वैकेंसी आ चुकी है, महेंद्रगढ़ के अंदर भी आ चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर भी रिक्वायरमेंट है। ऐसे डिलीवरी के लिए जो भी मेल फीमेल अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।